नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। मप्र प्रदेश के चुनाव के तारीख की घोषणा हो चुकी, आचार संहिता लग गई पर क्षेत्र के विधायक ने पर्यटक क्षेत्र को बढ़ावा देने 10 सालों में कोई रुचि नहीं दिखाई। इन 10 सालों में पर्यटन क्षेत्र के विकास नहीं किए। जिले के दो विधानसभा क्षेत्र सिरमौर और मंडवा के बीचों बीच क्योटी में जल प्रपात है, जहां बीजेपी से दो क्षेत्रीय विधायक है। सिरमौर से दिव्यराज सिंह तो मंडवा से पच्चू लाल प्रजापति है, पर अपने कार्यकाल में विंध्य क्षेत्र के प्रचलित क्योटी जल प्रपात का विकास नहीं कर सके। यहां वर्तमान में 3 थाना लगता सिरमौर गढ़ लालगांव चौकी आता है, फिर भी सुरक्षा व्यवस्था अपराध पर अंकुश और जल प्रपात के अलावा प्राचीन किला खंडहर में तामील हो गया। सौंदर्यीकरण का नामो निशान तक नहीं है, तभी तो आए दिन चोरी मारपीट। जल प्रपात में मौत का समंदर बना हुआ है, हर हफ्ते एक मौत हो रही है। ऐसे में भयभीत होकर पर्यटक झरने का दीदार करते हैं, न जाने कितने कौन सी घटना घट जाए। इसके लिए सामाजिक संगठन विपक्ष के नेताओं ने सुरक्षा के व्यवस्था को लेकर ज्ञापन तक सौंपा गया कि क्योटी में पुलिस चौकी खोली जाए ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जाए, पर आज तक कोई प्रयास नहीं किए गए। यहां पर सुविधाओं एवं सुरक्षा का अभाव है, जिससे दिनों दिन पर्यटकों की संख्या में कमी हो रही है। स्थानीय शासन प्रशासन इस स्थल को विकसित करने का प्रयास नहीं किए है। प्रदेश के जलप्रपातों की श्रृंखला में शामिल क्योटी जलप्रपात रीवा शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विंध्य का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट और पर्यटन स्थल है। क्योटी महाना नदी पर प्राचीन काल में बना जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 336 फीट है। यहां की मनमोहक प्राकृतिक वादियां अद्भुत है। क्योटी में प्राचीन भैरव बाबा एवं भगवान चतुर्भुज का भी मंदिर है, लेकिन इस ऐतिहासिक स्थल को विकसित करने की कोई योजना अभी तक नहीं बनाई जा सकी। इस क्योटी जल प्रपात का आनंद उठाने न केवल विंध्य क्षेत्र के बल्कि उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों से भी लोग आते हैं। वहीं असामाजिक तत्वों का डेरा लगता है, पर्यटकों से लूटपाट मारपीट होना आम बात हो गई। क्योटी जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र भी है। यहाँ विश्व की दुर्लभ जीवनदायिनी औषधियों में से सोमबल्ली मोरशिखा एवं पत्थरचट्टा काफी मात्रा में पाई जाती है, जिनसे कई रोगों का उपचार होता है। दो विधायक के होते हुए उपेक्षित और खंडहर में तामील है। इस जगह पहुँचने चारों तरफ से पहुँच मार्ग है। पुलिस चौकी एवं गार्ड की व्यवस्था नहीं होने से आए दिन जल प्रपात में खुदकुशी के साथ सेल्फी के चक्कर में शिकार हो रहे हैं। इस जल प्रपात में अब तक सैकड़ों जान गंवा चुके होंगे हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां भैरव बाबा का प्रसिद्ध मंदिर, ऐतिहासिक किला भी, जहां बिंदिया बंदूक फिल्म की शूटिंग भी हुई है। आए दिन प्रपात में शव मिलने की घटनाएं सामने आती रहती है। जल प्रपात में हुल्लड़बाजी का भी आंकड़ा बनता जा रहा है। 13वीं शताब्दी का प्राचीन किला भी है, जहां भव्य प्रवेश द्वार, प्राचीनतम शिलालेख, स्नानागार, गुफाएं, सैनिकों की बैरकें, राजदरबार स्थल एवं आधा किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी प्रसिद्ध दीवार है। क्योंटी में प्राचीन भैरव बाबा एवं भगवान चतुर्भुज मंदिर है। सदियों से लगने वाले प्रसिद्ध व प्राचीन काल के क्योटी जल प्रपात में मेला हर 14 जनवरी के मकर संक्रांति पर 3 दिवसीय मेला भरा जाता है। मान्यता यह है, महाराज विश्वनाथ सिंह ने मंदिर की स्थापना करवाए थे, तब से मंदिर में हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ जल चढ़ाने आती है। मंदिरों में सीताराम मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, दुर्गा मंदिर, भैरव बाबा, सीताराम मंदिर में हमेशा धुनी 2400 घंटों चलती है। नारद कुंड व शिव कुंड चतुर भगवान मंदिर मध्य प्रदेश शासन। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।